कि नीरज कुमार जी जिस संपत्ति का जिक्र कर रहे हैं वो एक भी बेनामी संपत्ति नहीं है, बल्कि सारे संपत्ति का जिक्र 1996 से लेकर के अभी तक, चाहे वो CBI हो, इनकम टैक्स हो या इलेक्शन कमीशन का रिटर्न, सब में दर्शाया गया है। चाहे वो आदरणीय लालू प्रसाद जी चुनाव लड़े हों या मैडम श्रीमती राबड़ी देवी जी चुनाव लड़ी हों या 2015 में तेजस्वी जी चुनाव लड़े हों, सब में ये दर्शाया गया है जब तक ये लोग बालिग नहीं थे तब तक इन प्रॉपर्टियों को मैडम अपने हेड से खरीदी थी, अपने हेड में दर्शाती रही, और जब से ये बालिग हो गए हैं तब से ये अपने हेड में दर्शा रहे हैं। हमें ये नहीं लगता जो नीरज कुमार जी किस हैसियत से इस तरह का बातें कर रहे हैं, वो बिहार सरकार के मंत्री हैं और नीरज कुमार जी कोई जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अब नहीं रहे, वो मंत्री के हैसियत से बोलते हैं और मंत्री के हैसियत से बोलने का मतलब है सरकार बोलती है। और ऐसे स्थिति में सरकार को यदि इतना भी ज्ञान नहीं हो जो क्या सही है क्या गलत है तो लानत है ऐसे मंत्री पर। हम तो कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिस मंत्री को इतना ज्ञान नहीं है उन्हें तत्काल ड्रॉप, क्योंकि इनको ये भी सही से ज्ञान नहीं है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति अपने नॉन सोर्स ऑफ इनकम से अपने माता पिता के नाम से, अपने भाई बहन के नाम से, अपने पुत्र पुत्री के नाम से, अपने पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है। और यदि वो नाबालिग होते हैं तो जब तक वो बालिग नहीं हो जाते तब तक उस प्रॉपर्टी का मालिक वो खरीदने वाला व्यक्ति होता है, और जिस दिन वो बालिग हो जाता है उस दिन से जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी खरीदा गया वो उसका मालिक हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जिस व्यक्ति को इतना ज्ञान नहीं है जो क्या सही है क्या गलत है, क्या नामी है क्या बेनामी है, वैसे व्यक्ति को मंत्री के पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे जो ऐसे मंत्री को ड्रॉप किया।